दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसको लेकर सुबह मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। उससे संबंधित एक शासनादेश 19 नवंबर 2019 को पारित किया गया था, जिसको मैंने सुबह वीडियो में दिखाया था। इस शासनादेश में जिक्र किया गया है उस शासनादेश का, जो 2 सितंबर 2016 को पारित किया गया, उसी शर्तों के आधार पर होमगार्ड बहाली की जानी है। दोस्तों, जब इस शासनादेश का मैंने एनालिसिस किया और 2016 वाले शासनादेश को भी जब मैंने डाउनलोड किया और जब मैंने उसको देखा, अच्छे से किया, तो मुझे पता चला कि होमगार्ड की बहाली हो पाना वाकई में काफी कठिन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नियम और शर्तें बना दी गई हैं, जिसकी वजह से होमगार्ड बहाल होने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब किसी होमगार्ड को निष्कासित किया जाता है तो उस पर कुछ ना कुछ आरोप लगाए जाते हैं, उसके बाद ही उसकी बहाली को खत्म किया जाता है। वो सभी पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर वो सब पॉइंट यहाँ पर दे दिए जाएंगे तो किस बेस पर होमगार्ड की बहाली हो पाएगी? तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्यों ना हम पूछें कि किस बेस पर बहाली की जाएगी और उत्तर प्रदेश में कितने होमगार्ड बहाल हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नियम दिए हुए हैं और बहुत सारी शर्तें दी हुई हैं, उनको पूरा ना करने वाला कभी बहाल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके विभाग तक और शासन तक इस वीडियो के माध्यम से आपकी आवाज पहुंच सके और शासन की नींद खुल सके और आपकी आवाज को वो सुन सके। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उस शासनादेश की, जो 2016 में पारित किया गया था, उसमें क्या क्या नियम व शर्तें दी गई हैं जिसके आधार पर होमगार्ड की बहाली हो सकती है। मुझे तो ये पूरी तरीके से एक मजाक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे नियम हैं कि उन नियमों में ज्यादातर होमगार्ड फंस जाएंगे और वो बहाल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से होमगार्ड की बहाली बिना शर्त होनी चाहिए थी, जिससे कि सभी होमगार्ड बहाल हो सकते थे और सभी को रोजगार मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर शासन ने बहुत ही चालाकी से इस शासनादेश को जारी किया, जिसमें बहुत सारे नियम और शर्तें लगा दी गई कि किन किन होमगार्ड्स को बहाल नहीं किया जाएगा और किन किन होमगार्ड्स को बहाल किया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही कम होमगार्ड ऐसे होंगे जो बहाल हो पाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं इस बारे में कि आखिर कौन सा होमगार्ड बहाल हो पाएगा और कौन सा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, बात कर लेता हूँ पहले मैं उस शासनादेश की, जो 19 नवंबर 2019 को पारित किया गया है। शासनादेश के विषय में साफ लिखा हुआ है, होमगार्ड एमसीबी को एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुनः बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किए जाने के संबंध में यहां पर साफ लिख दिया गया है। उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या यहां पर दी है, दिनांक 20 सितंबर 2019 का, कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या यहां पर लिखी हुई है, तारीख देख लीजिए, 2 दिसंबर 2016 के प्रस्तर 2 में होमगार्ड एमसीबी की पुनः बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के उप प्रस्तर 5 तथा अवैतनिक अधिकारी के पुनः बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के उप प्रस्तर 4 का इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी के पुनः बहाली के समय संबंधित भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारी की भर्ती के समय जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित की थी, उसी के आधार पर पुनः बहाल किए जाने पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, यह संशोधन किया गया, यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि यानी कि जो शैक्षिक योग्यता पहले थी उसकी भर्ती के वक्त, उसी के आधार पर होमगार्ड को बहाल किया जाएगा। ये छोटा सा यहाँ पर इन्होंने संशोधन कर दिया है, लेकिन संशोधन करने की बहुत सारी चीजें दोस्तों मेरे हिसाब से। चलिए हम उस शासनादेश पे चलते हैं जो 2 दिसंबर 2016 को पारित किया गया था बहाली के संबंध में। शासनादेश आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं कि शासनादेश में आके लिखा क्या गया था, क्या क्या नियम थे और क्या क्या शर्तें थी जिनके आधार पर होमगार्ड की बहाली होना थी। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, प्रेषक स्वामीनाथ पांडे, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महासमादेष्टा, होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ, होमगार्ड अनुभाग लखनऊ, दिनांक 2 दिसंबर 2016। विषय लिखा हुआ है, होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के पुनः बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किए जाने के संबंध में। नीचे की तरफ साफ लिखा हुआ, महोदय उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या यहाँ पर दी है, दिनांक 16/11/2016 एवं पत्र संख्या दी है, दिनांक 16/11/2016 का, कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नंबर 2 पे लिखा हुआ है, उक्त के संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि होमगार्ड अधिनियम 1963 की धारा 6(1) में दिए गए प्रावधान अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को पुनः बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों का निस्तारण किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्णय लिया गया है। होमगार्ड स्वयंसेवकों की पुनः बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया दी है। यहाँ पर नंबर 1 पे लिखा हुआ, भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन
आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्षों के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों का निस्तारण गुण दोष के आधार पर संबंधित डिप्टी कमांडेंट जनरल मंडलीय कमांडेंट द्वारा सकारण लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा। जहाँ पर दोनों अधिकारी तैनात हों उक्त स्थान पर सक्षम निर्णय डिप्टी कमांडेंट जनरल का होगा। दोस्तों नंबर 2 पे लिखा हुआ है भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष के पश्चात एवं 2-4 वर्षों के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों व डिप्टी कमांडेंट जनरल मंडलीय कमांडेंट के निर्णय के विरुद्ध अपील का निस्तारण कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश द्वारा डिप्टी कमांडेंट जनरल पुलिस डिप्टी कमांडेंट जनरल विभागीय से निम्न की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अधिकृत स्तर के अनुमोदन उपरांत गुण दोष के आधार पर सकारण लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा। भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 4 वर्षों के पश्चात एवं 6 वर्षों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए प्रत्यावेदनों तथा प्रत्यावेदन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील का निस्तारण गुण दोष के आधार पर कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा। नंबर 4 पे लिखा हुआ है भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा अपना निष्कासन आदेश जारी होने की तिथि से 6 वर्षों के उपरांत प्रस्तुत किए जाने वाले बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों अथवा 50 वर्ष की आयु से अधिक भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रत्यावेदनों पर किसी भी स्तर पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों बहुत अफसोस की बात है, ये कितना खतरनाक पॉइंट है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 50 वर्ष अगर होमगार्ड पूरा कर चुका है तो उसकी बहाली आदेश पर किसी तरीके से विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि उसकी बहाली नहीं हो पाएगी। यहाँ पर बहुत ही अन्याय होगा उन पूर्व होमगार्ड के साथ जो 50 वर्ष के हो चुके हैं, यानी कि जिन्होंने 50 वर्ष आयु पूरी कर ली है वो किसी कीमत पर बहाल नहीं हो पाएंगे। आपके हिसाब से क्या ये जो शर्त है वाकई में सही है या फिर गलत, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला पॉइंट दिया हुआ बहाली के समय प्रचलित होमगार्ड स्वयंसेवकों के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं शारीरिक अर्हता को पूर्ण करने वाले भूतपूर्व होमगार्ड स्वयंसेवकों की बहाली पर ही विचार किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उनके चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल परीक्षण में कोई प्रतिकूल तथ्य दृष्टिगत न हो। अगला पॉइंट है बहाल किए जाने के पश्चात ग्रामीण होमगार्ड को 13 दिवसीय पुनरावर्ती प्रशिक्षण एवं शहरी होमगार्ड को 8 दिवसीय पुनरावर्ती कैंप प्रशिक्षण कराए जाने के उपरांत ही ड्यूटी परेड पर लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अगला पॉइंट है बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों पर सभी विचार किया जाएगा जब भूतपूर्व होमगार्ड से संबंधित ब्लॉक कंपनियों में स्थान रिक्त होगा। अगला पॉइंट, एक बार बहाल किए जाने के उपरांत पुनः निष्कासित किए जाने वाले होमगार्ड के बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित कारणों से निष्कासित किए गए होमगार्ड स्वयंसेवकों के बहाली संबंधी प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। नीचे कई कारण दिए हुए हैं जिनमें पहला है आपराधिक मामलों में अभियोग पंजीकृत होने तथा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल होने पर मुकदमा माननीय न्यायालय में लंबित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा सजा याप्त प्रकरणों में। नंबर 9 पे लिखा हुआ है होमगार्ड अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत अनुशासनहीनता का आरोप जांच में प्रमाणित किए जाने पर किए गए निष्कासन के प्रकरणों में। दोस्तों जितने भी होमगार्डों की बहाली खत्म की गई है ज्यादातर सभी में अनुशासनहीनता दिखा दी गई है। मैंने बहुत सारे होमगार्ड्स के आदेश को देखा जिसमें उनकी बहाली को खत्म करने का मुख्य कारण अनुशासनहीनता दिखाई गई है। अगर अनुशासनहीनता के आधार पर होमगार्ड की बहाली नहीं की जाएगी तो फिर कौन से होमगार्ड बहाल हो पाएंगे? क्या मुझे विभाग का कोई अधिकारी नीचे कमेंट बॉक्स में आके बता सकता है इस बात को कि कौन से होमगार्ड आखिर बहाल किए जाएंगे? अगला 9 पे लिखा हुआ भ्रष्टाचार का आरोप जांच में प्रमाणित किए जाने पर किए गए निष्कासन के प्रकरण में अपनी गतिविधियों में संलिप्तता दुराचार नैतिक अधमता का आरोप सिद्धि होने की स्थिति में। दोस्तों आपको बता दूं बहुत सारे होमगार्ड इस वजह से होमगार्ड्स की बहाली इसलिए खत्म की गई थी कि वो विभाग के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे भाइयों की बहाली खत्म कर दी गई थी, उनको भी यहाँ पर मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अनुशासनहीनता वाले होमगार्ड्स को मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से काफी पॉइंट है, मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया इन दोनों ही शासनादेश का रिजल्ट ये निकल कर आता है कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम होमगार्ड ऐसे होंगे जो बहाल हो पाए। केवल एक दिखावे के लिए विभाग ये बहाली करना चाह रहा है, इसमें बहुत ही कम होमगार्ड बहाल हो पाएंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से दिल्ली सरकार ने वाकई में एक अच्छा काम किया, दिल्ली सरकार ने लगभग 80-90% होमगार्ड को बहाल कर दिया। दोस्तों दिल्ली की तरह ही यूपी में भी इसी तरह की बहाली होना चाहिए जिससे कि ज्यादातर होमगार्ड बहाल हो सके और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। दोस्तों मेरे हिसाब से शासन को एक बार फिर से सोचना चाहिए और एक नया आदेश पारित करना चाहिए जिसमें इन पॉइंट्स का सुधार करके बिना शर्त के होमगार्ड्स को बहाली देना चाहिए। दोस्तों आपकी इस मामले पे क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इन शासनादेश को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं इन शासनादेश
को शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से इंचार्ज निर्देश को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।